हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही सोमवार को एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने सेक्टर 29 के चुनाव को लेकर एचएलपी प्रत्याशी निशा बजाज के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जानकारी दे दें कि निशा बजाज नीरू बजाज की धर्म पत्नी है और एचएलपी समर्थित प्रत्याशी भी हैं। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि निशा बजाज और नीरू बजाज दोनों ही बेहतर सेवादार हैं और निशा की जीत सिर्फ वोट की जीत नहीं बल्कि सिरसा के विकास का रास्ता भी खोलेगी, क्योंकि अब तक कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने नगर का विकास नहीं होने दिया। वहीं इस अवसर पर निशा बजाज के चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अकाली नेता वीरभान मेहता और युवा एचएलपी नेता धवल कांडा भी मौजूद रहे। तो मैं इस बात की बधाई देता हूं कि 29 नंबर वार्ड के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस ऑफिस का आज उद्घाटन का सौभाग्य है। मेरे पिता श्री के बराबर श्री वीर भांजी मेहता और मुझे और मेरे वार्डवासियों को उनके सम्मुख करने का जो मौका मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं इस ऑफिस के उद्घाटन की कि आप मेरी छोटी बहन निशा को आशीर्वाद देकर भारी मतों से जिताकर भेजना तो वोट दो जो आपकी सेवा कर सके, जो आपके काम आ सके, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, जो आपका शहर का विकास कर सके, उसको वोट देना। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस परिवार में कोई कमी नहीं आएगी। अगर इस परिवार में कमी आए तो मेयर बाबू जी के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। और मैं बताता हूं कि मैंने कल ही हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है कि प्रधान का चुनाव 29 तारीख के बाद जल्द से जल्द 72 घंटे के अंदर कराया जाए। और मैं आपको प्रधान बन के ये वार्ड मैं आपसे विश्वास दिला के जाता हूं कि इस वार्ड की प्रगति और इस वार्ड का विकास शहर के अंदर सबसे सुंदर होगा।